गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक नए व्लॉग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। फिलहाल मैं हूँ अभी पुणे में है, मेरे होम टाउन में, और अभी स्वारगेट के बस स्टैंड में आ चुका हूँ। इससे पहले आपने स्वारगेट के बस स्टैंड से KSRTC की दोनों बस जर्नी देखी होगी। आज MSRTC की बस जर्नी करेंगे। आज बहुत ही स्पेशल जर्नी होने वाली है। दिखा दो हमको पहले बस के यहाँ चल रहे हैं, उधर जाके आपको बताता हूँ यार। बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस ने अभी जस्ट पहुँचा, फिर से आ गया, तो क्या ही बता सकते हैं। स्वारगेट सातारा बिना मार्ग नॉन स्टॉप बसेस सातारा के लिए भी है। तो भाई ये है अपना बैक साइड ई शिवनेरी बस का, जो आज हमें लेके जाने वाली मुंबई में। पीछे से तो एकदम मस्त लग रही है, MSRTC और इलेक्ट्रिक बस है, ई बस ओलेक्ट्रा की। चलते हैं जल्दी से अंदर। अभी तो डोर वगैरह भी बंद है, डोर खुलेंगे, अभी साफ़ सफाई चल रही है, उसके बाद अंदर जाके आपको दिखाता हूँ मैं। आज हमारी जर्नी होने वाली है पुणे से लेकर मुंबई तक, मतलब पुणे से लेकर ठाणे तक आज हम जर्नी करने वाले हैं MSRTC की नई इनॉग्रेट हुई शिवनेरी इलेक्ट्रिक शिवनेरी बस में। मतलब इससे पहले शिवनेरी का आपने व्लॉग देखा होगा, पुणे टू दादर जो थी स्कैनिया, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं इस इलेक्ट्रिक शिवनेरी में, जो कि अभी भी रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है। एक या दो हफ्ते हुए मेरे हिसाब से, दो या तीन हफ्ते ही हुए इसको इनॉग्रेट हुए। देखते हैं जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इससे पहले इलेक्ट्रिक बस MSRTC के फ्लीट में ऑलरेडी है, शिवाई करके, आपने वो वाला व्लॉग भी देखा होगा पुणे से लेकर अहमदनगर तक। आज हम पुणे से लेकर ठाणे तक इस MSRTC के ओलेक्ट्रा ई शिवनेरी बस में ट्रैवल करने वाला। आपको डिटेल रिव्यू मिलेगा, फेयर्स कॉस्टिंग वगैरह वो सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तब तक पहले इसका टिकट खरीदता हूँ। अभी जस्ट आई है, मेरे सामने बस आके लगी है और साफ सफाई वगैरह अभी अंदर हो रही है। उसके बाद ये होने के बाद लेट्स सी कब यहाँ से अपना डिपार्चर होता है ठाणे के लिए। जस्ट अभी ये वाली शिवनेरी आई थी, इसके पीछे पीछे एक और अपनी ई शिवनेरी आ चुकी है वहाँ पर, और पहले पैसेंजर्स निकले, उसके बाद साफ सफाई होगी। बैक टू बैक शिवनेरीज यहाँ से उधर आधे एक घंटे के लिए आपको ठाणे तक मिलने वाली है। यहाँ पर ये लाइन में हम खड़े हैं, यहाँ से हम टिकट कलेक्ट करेंगे, उसके बाद बस में एंट्री करेंगे। पर MSRTC की ओलेक्ट्रा शिवनेरी ई शिवनेरी बस, भाई क्या मस्त लुक आ रहा है एकदम। मतलब शिवनेरी का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, सबसे बेस्ट है। बाकी आज हमारी जर्नी होने वाली पुणे से लेकर ठाणे तक वाया मुलुंड, और अपना एक्सप्रेस है तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस से ही जाएगी अपनी गाड़ी। और सीट्स वगैरह दिखाता हूँ अंदर जाके, पहले टिकट निकालते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर टिकटिंग का कुछ आता पता ही नहीं है। भाई लाइन देखो पीछे तक हुई है, बट अभी तक टिकटिंग ओपन ही नहीं हुआ है। देखो भाई यहाँ पे रुको, आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लगभग 45 मिनट का समय हुआ है, अभी तक टिकटिंग शुरू नहीं हुआ है। ये पता नहीं क्या मैनेजमेंट है इन लोगों का, हर टाइम MSRTC का मेरा ऐसा एक्सपीरियंस होता है। क्या बोले भाई, ये एटलीस्ट टिकटिंग तो फास्ट कर सकते हो ना, समझ नहीं आता। यहाँ पर लाइन देखो भाई, पीछे तक लाइन है, यहाँ पर अभी तक इनका टिकटिंग शुरू ही नहीं हुआ है। अभी ये मैडम आए, देखते हैं। देखो साइड में एक और अपनी शिवनेरी आ चुकी है, यहाँ पे खड़ी, यहाँ पर भी एक आ गई है। अभी तक इनका टिकटिंग शुरू ही नहीं हुआ भाई, पता नहीं क्या सीन है। चलो भाई ये है अपनी आज की बस, एंटर करते हैं इसमें ई शिवनेरी ओलेक्ट्रा। और एंटर करने के बाद ये है अपना ड्राइवर्स, अपना वही कॉन्सोल है, LED डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है। इसकी वजह से आप सब चीज़ें यहाँ से ड्राइवर जो है अपने वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे AC का वेंट है, इधर आप कंट्रोल से AC के वो आप एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर साहब। और ऑटोमेटिक है, न्यूट्रल पे अभी गाड़ी, ये रिवर्स है और ये फ्रंट है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा इसका कॉन्सोल आप कह सकते हो। बाकी देखते अभी सीट देखते कौन सी मिली हमें। यहाँ पर देखो 2x2 की आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे दो सीट्स और यहाँ पे दो सीट्स। यहाँ पे ऊपर लगेज का रैक है, और देख सकते हो ऊपर AC वेंट्स है, और ये सब चीज़ें कंट्रोल करने लायक, देखो लाइट्स वगैरह पूरी सीट पर। और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। आपने मेरे इससे पहले दिल्ली से धर्मशाला का व्लॉग देखा होगा, उसमें आपको दिखाया था सेमी स्लीपर, एंड ये सेमी स्लीपर नहीं है, नॉर्मल सीटर है, AC सीटर बस है, और डिक्लाइन भी होती है मेरे हिसाब से। यस, इसमें इधर नीचे एक ब्लू कलर का बटन है, वो अगर दबाऊंगा तो पीछे रिक्लाइन हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक रिक्लाइन इसका हो जाता है। इवन यहाँ पे ना नेक रेस्ट के लिए आपको ये ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगी नॉर्मल शिवनेरी से अगर आप कंपेयर करोगे ना। और यहाँ पे अभी हम निकल चुके हैं स्वारगेट से। चलो भाई टाइम देखो, 4:43 हो गए, और स्वारगेट से अपना डिपार्चर यहाँ पे हो चुका है। ई शिवनेरी लगभग आपको आधे एक घंटे, हर आधे घंटे में एक ई शिवनेरी आपको देखने को मिल जाएगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी MSRTC और ज़्यादा रेज करने वाला है। तो मतलब आपको शिवनेरी ही शिवनेरी देखने को मिलने वाली है। देखो यहाँ पर एक ई शिवनेरी है, ये नॉर्मल वोल्वो वाली शिवनेरी है, इसके पीछे एक दो और ई शिवनेरी पड़ी है, मतलब ई शिवनेरी का भंडार है। और तो देखो धूप बहुत है, गर्मी बहुत है यार।
देखो भाई, इस बस को निकालना ना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है यार। फिर भी ये बस शॉर्ट है, जब B11R होती है वोल्वो की उसको तो और ही दिक्कत होती है। आपने देखा वो KSRTC का ब्लॉक। बाकी यहाँ से अभी हम फाइनली स्वारगेट से निकल चुके हैं। देखो ये है ऊपर का वनास का मेट्रो स्टेशन, और बिल्कुल इसके नीचे थोड़ा आगे जाके अपनी बस रुकने वाली है। मतलब अगर आप डेक्कन वगैरह एरिया में रहते हो तो आप मेट्रो से वनास स्टेशन आ सकते हो, और वनास स्टेशन थोड़ा सा आगे वॉकिंग करके ही यहाँ पे बस अपने रुकेगी आगे जाके। देखो यहाँ पे बोर्डिंग है, वी आर इन, अभी हम वनास में आ चुके हैं। जितने लोगों का रिजर्वेशन है यहीं से भी बोर्ड करते हैं बहुत सारे लोग। चलो भाई, बोर्डिंग कंप्लीटेड और अभी हम निकल चुके हैं वनास से। इसके बाद चांदनी चौक में अपना लास्ट हॉल्ट होगा, उसके बाद सीधा नॉनस्टॉप वी विल गो टू ठाणे। बीच में एक्सप्रेसवे में रुकेंगे हम और ठाणे पहुँचेंगे। चलो ये अपना दूसरा हॉल्ट है चांदनी चौक। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी यार, पता नहीं कैसे कैसे से करके आ गए। दूसरी साइड भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। चलो भाई, अपने फाइनल बोर्डिंग पॉइंट चांदनी चौक से निकल चुके हैं और गाड़ी पूरी पैक है। 45 सीट्स है, 45 के 45 सीट्स सारे पैक हैं। अच्छा हुआ कि ये सीट मिल गई, यहाँ से वीडियो करने में अच्छा मतलब इजी पड़ेगा मेरे लिए। बाकी अब नेक्स्ट स्टॉप सीधा फूड मॉल भी होगा, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए अब स्नैक्स के लिए रुकेंगे 10-15 मिनट के लिए। चलो भाई, फाइनली अभी हम पुणे से लेकर मुंबई तक जो एक्सप्रेस वे है उस पर लग चुके हैं। कैनरा पिंटो की बस गई, यहाँ पे एक और जा रही है MR ट्रैवल्स जोधपुर।
बेस्ड ट्रैवल्स, मतलब बहुत सारे ट्रैवल्स की बसेस अभी शाम के टाइम आपको इस हाईवे पे देखने को मिल जाएगी, जो कि बैंगलोर, जोधपुर, जैसलमेर वगैरह जा रही है, गुजरात भी जाती है। ऊपर से ना पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है, मतलब समर के टाइम पता नहीं, बट विंटर्स में मैंने देखी है पैराग्लाइडिंग होते हुए। सीजन में आओगे तो यहाँ पे पूरा कोहरा ही कोहरा दिखने को मिलेगा ठंड में, और इवन बारिश के दिनों में पूरा कोहरा रहता है इस रोड पे, स्पेशली इस सेक्शन में, इस घाट के कुछ दिखता नहीं है। देखो सामने कोई तो पोर्ट है मेरे हिसाब से, तो बहुत सारे किले सह्याद्री माउंटेन रेंजेस है। तो भाई यहाँ पर अपनी बस आ चुकी है वही फूड मॉल पे खोपोली के, यहाँ पे जल्दी से कुछ खाते हैं। मैं लास्ट टाइम जैसा नहीं करना, बस नहीं छोड़नी, जल्दी से कुछ तो लेता हूँ खाने के लिए फटाफट से, ज़्यादा नहीं लेना कुछ, ज़्यादा पैक, ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना, थोड़ा बहुत खाना है, मुंबई जाके फिर डिनर करना ही है भाई। देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या क्या खाने के लिए लेता हूँ मैं। चलो भाई यहाँ पर ये कुछ फूड मॉल टाइप है, और सामने अगर आपको नॉर्मल कुछ खाना तो निशि सागर रेस्टोरेंट भी है। निशि सागर तो मैंने बहुत बार ट्राई किया इस टाइम, मैकडोनल्ड्स में तो कुछ अपना मैकडोनल्ड्स में तो बर्गर किंग से कुछ तो उठाते हैं। चलो भाई ऐसे करके कुछ तो मंगाते हैं। पेरी पेरी मैक स्पाइसी मैक वेजी है, मैक स्पाइसी पनीर है, एक मैक स्पाइसी पनीर कर देता हूँ। यहाँ पे नंबर डालना है और मेरा डिजिटल बिल आ जाएगा। देखो मेरा ऑर्डर नंबर भी आ गया, कितना ईजी है भाई, लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से अपना अपना लो और उधर जाके दो। लोग आए नहीं है, मैं डर के मारे मैं तो अंदर आ गया भाई, क्योंकि लास्ट टाइम शिवनरी से हम छूट गए थे, इस टाइम नहीं छूटने का मन मेरा। और जो भी था खाने का मैंने पैक करा लिया है मैकडोनल्ड से, वही बर्गर वगैरह लिया है, बर्गर और वेजेस लिया है, उतना ही काफ़ी है भाई, बस में बैठ के आराम से खा लेंगे, बट बस को छोड़ना नहीं इस टाइम, लास्ट टाइम जैसा करना नहीं है। चलो अंदर बैठता हूँ मैं,
और वही अब रात का इतने दिखाने लायक है नहीं। यहाँ से एक्सप्रेशन नई मुंबई एंटर करेंगे, नई मुंबई से मतलब यहाँ से भी डेढ़ घंटे में हम पहुँच जाएंगे मोस्टली, ऐसा तो अनुमान है। मैंने लिया था भाई मैक स्पाइसी पनीर बर्गर और इसको खाते हैं आप मज़े मज़ेदार से आराम से बैठ के खाने के अलावा इधर बैठ के जाओ टेंशन है तो बस छूट जाती भाई उसकी टेंशन थी। भाई देखो किसी की तो गाड़ी रह गई इसके साइड पे एक्सप्रेस वे जाके रोक दिया भाई। मेरी जब शिवनरी छूटी थी तब तो नहीं रोका था यार, तब तो मेरा सामान वगैरह सारा लेके चले गए थे। इस टाइम नहीं है भाई, इससे सीख मिली ना, तो सीख से गलती से सीख मिलती है भाई। लास्ट टाइम छूटी शिवनरी, इस टाइम मैंने अंदर जाके खाना खाऊँ ऐसा डिसीजन लिया। अभी रुके भाई, जिनकी गाड़ी छूटी है वो आ रहे हैं अभी, क्या ही बोल सकते हैं। मुंबई में तो एंटर कर चुके लगभग आधे एक घंटे की देरी के साथ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। मतलब कहाँ पर एग्जैक्टली तुर्बे के आगे थोड़ा सा ट्रैफिक लगा था तुर्बे के आगे, बाकी हम ठाणे जाने वाले, बाय द वे आपको बता दूँ दादर के लिए बस सेवा है ना 3 से 4 दिन में शुरू होने वाली है, तो ऐसे मत समझना कि बस सिर्फ ठाणे के लिए है, दादर तक भी बस जाएगी, बट उसको शुरू होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। और आज डेट कुछ 15 तारीख है जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ ये ब्लॉग, और जब आप आओगे तो मोस्ट प्रोबेबली दादर के लिए भी शिवनरी बस शुरू होगी। और एक एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, क्योंकि उतर के बताऊंगा तो मतलब सही नहीं रहेगा, ट्रैफिक का आवाज आएगा। अगर ऑनेस्टली एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, 520 रुपीज़ इसका फेयर था, फेयर के बारे में बताऊं तो 520 रुपीज़ मैंने पे किया था पुणे से लेकर ठाणे तक, और टोटली वर्थ इट है। सीट्स कंफर्टेबल हैं, बाद में बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, ये सब चीज़ें इसमें ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, और मतलब फील ही नहीं होता गाड़ी में जब जैसे आप चलते हो ना। अगर कोई नॉर्मल बस में चलते हो, डीजल पर जो चलती है, पेट्रोल डीजल पर जो चलती है, तो उसमें ना ऐसे खर खर करके अजीब सी फीलिंग आती है ना, मतलब जैसे वाइब्रेशंस वगैरह महसूस होते, इसमें नहीं महसूस होता। इसमें सिर्फ आपको पता चलेगा कि रोड पर हमारा व्हीकल चल रहा है, और ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस बस में। बाकी अभी उतरते हैं ठाणे में, ठाणे उतरने के बाद मुझे जाना है मुंबई सेंट्रल अर्बन पॉड में रहने के लिए, क्योंकि गाड़ी लेट हो गई, टाइम अभी 9:30 हो गया, और 9:10 की मेरी ट्रेन थी बट वो तो छूट गई भाई, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिप बस लेट हो गई, चलता रहता है वो, इनकी भी तो क्या गलती है ड्राइवर की, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा लगा था। ओके अभी हम आ चुके हैं ठाणे के अंदर फाइनल, और ठाणे स्टेशन के पास में हम रुकेंगे, वहीं पे लास्ट हमारा डी बोर्डिंग का हॉल्ट होगा। और आपको बता दूँ बस की फ्रीक्वेंसी पुणे से और ठाणे से आपको हर एक घंटे में बस मिल जाएगी, पुणे से लेकर ठाणे के लिए और ठाणे से लेकर पुणे के लिए। और जल्द ही ई शिवाई, आपको पता होगा शिवाई बस पुणे से लेकर नगर तक कवर की थी, वो भी बसें शुरू होने वाली है बहुत अलग अलग रूट्स पे। ई शिवनेरी पुणे से लेकर औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर तक भी शुरू होने वाली है। चलो भाई आ गए हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन यानी कि ठाणे में। लगभग 1 से 1.5 घंटे की देरी के साथ हम पहुंच चुके थे ठाणे अपने डेस्टिनेशन पे, वंदना बस डिपो पे हमारा लास्ट हॉल्ट था। ठाणे स्टेशन पे नहीं था क्योंकि ठाणे स्टेशन यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमारी जो बस थी ना लगभग 1 या 1.5 घंटे देरी से पहुंची थी। बाय द वे वीडियो को भी यही पेंड करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।